नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। विश्वभर में फैली महामारी कोविड-19 नोवल कोरोना वायरस के बीच जिला ग्वालियर अनुभाग डबरा मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव टेकनपुर ने एक अनूठी मिसाल पेश की है, जहां टेकनपुर चौकी प्रभारी ने गांव के ही समाज सेवियों के साथ निकलकर गली गली घूमकर लोगों को कोरोना से बचाव के टिप्स दिए। वहीं जो लॉकडाउन तोड़ते दिखे उन लोगों को फूल माला पहनाकर और फूल देकर समझाइश दी गई कि आवश्यकता पड़ने पर घर से बाहर निकलें। जन जागरूकता के लिए चलाए गए इस अभियान में टेकनपुर के समाज सेवी, पुलिस पत्रकार और स्थानीय डॉक्टर भी मौजूद रहे, जिन्होंने पूरी तरह सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के टिप्स दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे। कार्यक्रम चला है कोरोना को लेकर, क्या कार्यक्रम था सर? आज जो लॉकडाउन का सेकंड फेज था, जो खत्म होने की तरफ था, तो हमारे जो भी प्रभारी हैं इंचार्ज, तो उन्होंने एक जागरूकता टेकनपुर के समाज सेवी और जनता को लेकर साथ में निकले, गली गली मोहल्ले में घूमकर उनको समझाइश दी कि बिना काम के हमें निकलना नहीं है। अगर घर से काम से निकलना है तो मुंह से मास्क लगा के और जेब में सैनिटाइजर लेके चलना है। और जो भी दुकानदार वगैरह थे उनको भी समझाइश दी गई और टेकनपुर की जनता का धन्यवाद दिया गया कि लॉकडाउन में उसने बहुत सहयोग किया। तो बस हम लोगों का भी यही कहना है कि मेन टेकनपुर से जो हमारा लॉकडाउन सफल हुआ है, वो सफल हुआ हमारे चौकी प्रभारी। मेरा मानना यह है कि जहाँ तक बल का प्रयोग किया जाता है, शायद कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सम्मान और इज्जत के भूखे होते हैं, उनका स्वाभिमान होता है। हमने उस पहल को बरकरार रखते हुए जनता से फूल देके उनसे लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए अनुग्रहित किया है। शायद उनके लोगों को समझ में आया, कुछ शिक्षित लोग होते हैं, इस पहल से शायद अपने घर के परिवार के समाज के लोगों को लॉकडाउन का पालन करने के लिए अनुग्रहित करेंगे। ठीक है सर, आगे भी इस तरीके की जो तीसरा पार्ट लॉकडाउन का है सर, उसके लिए प्रशासन? मैडम, ये जो टेकनपुर में आज आप सभी लोग सड़कों पर दिखे, पुलिस भी थी, डॉक्टर भी थे, आप जैसे समाज सेवी भी थे, मैडम क्या मामला था? आज हमारे टेकनपुर प्रभारी महेंद्र कुमार जी ने अपने स्टाफ के साथ मिलकर जो जागरूकता अभियान चलाया, उसमें उन्होंने समाज सेवी और डॉक्टरों को भी शामिल किया था। तो हमने उनका साथ दिया और लोगों को ये बताया कि बिना कोई काम के घर से बाहर ना निकलें, उनको फूल माला पहनाकर फूल देकर ये समझाया कि आप अब तो मान जाइए, ये उस दुश्मन से लड़ाई है जो दिख नहीं रहा है, अदृश्य है, तो ये कहकर नहीं आएगा ना, आपको ये देखेगा आप छोटे हो बड़े हो कौन से समाज के, किसी को नहीं देखेगा।